नीति, तुमने मुझे गलत साबित किया है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शैली, शैली प्लीज ऐसा मत करो। मुझे मुझे जाने दो। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज शैली, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सबक तो मैं सिखा के रहूंगा। कलर्स टीवी के सीरियल परिणीति में हर किसी को मुश्किल में फंसाने वाली नीति आज खुद मुश्किल में फंस गई है, और उसके सामने ये मुश्किल खड़ा करने वाला और कोई नहीं बल्कि शैली है, जिसे उसने धोखा तो दिया ही है, साथ ही बेइज्जत किया है, और आज इसी बात का बदला नीति से ले रहा है। आज तो शैली ने सारी हदों को पार कर दिया है। भाई, उसके सर पर नीति से बदला लेने का जुनून जो सवार है। तुमने अपनी इज्जत लूटने का घटिया इल्जाम लगा दिया था मुझ पे। तो इतने से टच में कौन सी हिम्मत चाहिए होती है? शैली, दूर जाओ। शैली प्लीज छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? दूर हटो। कोई है, बचाओ प्लीज। क्या हुआ? चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, बचाओ, हेल्प हेल्प, चिल्लाओ ना। मैं भी तो देखो कि कौन आता है तुम्हारी मदद का। नहीं प्लीज छोड़ो मुझे। क्या हुआ? अभी तो बहुत चल रही थी। How dare you to touch me? ये बोल रही थी ना? क्या हुआ? इसने क्या किया? सबके सामने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने इससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करी, इसे छेड़ने की कोशिश करी। तो फिर मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए इसको किडनैप कर लेता हूँ, ताकि ये सबको सच बताए, लेकिन ये उल्टा मुझे और फंसा देती है। तो इसको बस सच जानने के लिए मैं इसको अपने दोस्त के घर ले आता हूँ, जहाँ पे मुझे सच बताए, लेकिन ये नहीं बताती। क्यों नहीं बताती तुम सच? मैं बताया था तुम्हें सच। कहाँ बताया? पूरा नहीं बता पाई कि मेरी शादी हो चुकी थी, तो ये मुझे अभी गलत ही समझी जा रहा है। और इसने स्टोरी पता चलेगी ना, तब यू विल रियलाइज कि नीति इतनी भी गलत नहीं है। और इसने, तुम मना कर दी थी शादी के लिए, तुमने मुझे यूज किया, तुमने सीधा बोला। देख रहे हो आप, आजकल जितने अच्छे लोग होते हैं उनको लड़कियां कैसे यूज करती हैं। एक्चुअली शैली बेचारा बहुत अच्छा लड़का, और नीति बहुत ही बुरी है। तो और वो उसको बता भी देती है सीधा कि देख, कोई लेना देना नहीं था मेरा तुमसे, तुम प्लीज अपने रास्ते जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ बस। आज शैली और नीति के बीच देखने के लिए मिल रही है बहसबाजी, जहां शैली नीति पर लगा रहा है इल्जाम। भाई वैसे शैली के ये सारे इल्जाम कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन नीति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दूसरा जो तुम परी के साथ कर रही हो, उसकी रेस्टोरेंट बनके उसको धोखा दे रही हो। पता नहीं परी को तुम्हारा ये असली चेहरा दिखता क्यों नहीं है? मैं पता भी है मेरे और परी का रिश्ता क्या है? रिश्ता? अपनी गंदी जुबान से रिश्ते का नाम मत लो, सादा चौका। तुम तो इतनी घटिया हो कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मुझे तो समझ में नहीं आया कि तरस किस पे खाऊं, तुम पे जिसे रिश्ते निभाने नहीं आते, या वो बाजवास पे जिन्होंने तुम्हें अपने घर में रखा, अपना फैमिली मेंबर समझा, सब कुछ दिया, सारी जरूरतें पूरी करी तुम्हारी, लेकिन तुम शट अप। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब है नीति, मतलब है। तुमने परी को धोखा दिया तो तुमने मुझे भी धोखा दिया है नीति। बातों ही बातों में शैली ने नीति से कुछ ऐसी बातें भी कह दी, जिसके बाद नीति का अब गुस्सा परी को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गया है। you know what? Actually, लोग सही कहते हैं कि शादी के लिए तुम जैसी मॉडर्न लड़की की जरूरत नहीं होती, परी जैसी अच्छी संस्कारी सादगी लड़की की जरूरत होती है। तुम जैसी लड़कियां तो सिर्फ एक रात के लिए। बातें करके इमोशनल करके सबको अपना बना लेती।
सर भी एक ही, तो सब कुछ छीन लिया मुझसे। चाहे जो मुश्किल हो उसके बारे में, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। नहीं मुझे नहीं याद, मतलब नहीं पढ़ा। हाँ एक बार ताई जी से पढ़ा है। ताई जी का थप्पड़ तो अलग हो गया, किसी मेल ने नीति को पहली बार थप्पड़ मारा, मतलब कोई आया, हिम्मत, कोई आ गया जो इनको टक्कर दे। वो चला भी गया, पर आके चला भी गया, आप समझ रहे हो। देखा नीति से पंगा लेने का नतीजा। अरे ऐसा पंगा तो मना कर देती, नहीं मारता मैं, सीन तो करते साथ में, पर अब नहीं। रियलिटी बताने से पहले ही वो आ जाता है, संजू और परी, और वो नहीं बता पाते, और उनसे लगता है कि इन्होंने सुन लिया शायद, क्योंकि उनके लिए मेरी याददाश्त गई हुई है ना, तो उनको तो नहीं पता कि मुझे सब याद है। सो मैं चुप हो जाती हूँ एकदम। इसी तमाशे के बीच एंट्री होती है राजीव और परी की, जिसके बाद जरा देखिए कैसे वो नीति को अपने साथ घर ले आते हैं और राजीव और परी मिलकर उसकी देखभाल कर रहे हैं, इस सच से अनजान कि नीति उनके लिए कितना बुरा चाहती है। भाई ये ड्रामा अब यही नहीं थमने वाला, अब देखना होगा कि नीति परी के खिलाफ और कौन से नए षड्यंत्र रचेगी, और क्या इस बात का पता राजवीर और परी को चल पाएगा। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ के साथ अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी।